अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला एवं खेल महोत्सव के अंतर्गत गुरुवार को राप्ती नदी के तट पर रेत शिल्प कला प्रतियोगिता का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट के युवा कलाकारों के द्वारा किया गया। राजघाट स्थित राप्ती तट पर फाइन आर्ट के 25 युवा कलाकारों ने सुबह 8 बजे से ही अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के अंत्येष्टि स्थल पर भारत के नक्शे पर चित्र बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दिया। फिरंगियों की गुलामी से देश को आजादी दिलाने के लिए लाखों देशभक्तों को शहीद होना पड़ा। देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले गरम दल के युवा नेता पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 91 वर्ष पूर्व गोरखपुर के जिला कारागार में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दिया गया और 20 दिसंबर को राजघाट स्थित राप्ती नदी के किनारे अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का अंतिम संस्कार किया गया था। 91 वर्ष बीत जाने के बाद भी राप्ती तट के किनारे पंडित बिस्मिल की स्मृति में कोई स्मारक ना बन सका। पंडित बिस्मिल के स्मारक बनाने और राजघाट पुल को राम प्रसाद बिस्मिल राष्ट्रीय राजमार्ग सेतु की मांग को लेकर सामाजिक संस्था द्वारा विगत 10 वर्षों से राप्ती नदी के किनारे उन्हें श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए चित्रकार भास्कर विश्वकर्मा और आयोजक ब्रजेश राम त्रिपाठी ने कहा, इधर इधर आ जाइएगा, फूल हो तो इधर उधर उधर मिल जाएगा, ज्यादा लंबे चलेगा, जाओ तुम ही जाओ, अरे बजवा बजवा थोड़ा सब लोग अरे कुछ करो, बैठो नहीं कुछ करो, विश्वकर्मा। ये सुबह 8 बजे से 25 कलाकारों की एक टीम है जिन्होंने सुबह 8 बजे से रेत पे काम कर रहे हैं और बिस्मिल जी को आज ही 20 तारीख को अंत्येष्टि हुई थी इसी राप्ती तट पे और उनको श्रद्धांजलि के रूप में वहाँ खड़े होकर के लोगों ने ये कलाकृति बनाई है। सब हमारी पूरी टीम मिल करके यहाँ कलाकृति बनाई है। इसमें जो है इंडिया का पूरा मैप है जिसमें बिस्मिल जी की पोर्ट्रेट है और तिरंगा लहराता हुआ बिस्मिल जी को श्रद्धांजलि दी गई है। देखिए इस रेत शिल्प के माध्यम से हमारी मांग है, हम चाहते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का एक भव्य स्मारक यहाँ बनाया जाए और ये जो राजघाट का पुल है इसका नामकरण भी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल राष्ट्रीय राजमार्ग सेतु किया जाए क्योंकि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का ये गोरखपुर बलिदान स्थल है और उन्होंने जो जंग आज़ादी में जो जान फूकी थी, युवाओं के जो महानायक के रूप में बने थे, युवाओं की प्रेरणा स्रोत बने थे, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व यदि युवाओं के बीच में ले जाना है तो जो उनकी स्मृतियां हैं, जो उनकी कृतियां हैं उनको उसको जीवंत रखने के लिए एक भव्य स्मारक की आवश्यकता है और जहाँ जहाँ उन्होंने अपने संदेश छोड़े हैं घंटाघर से लेकर मंडली कारागार तक वो सब हमारे लिए प्रेरणा के स्थल बने, स्मरणीय स्थल बने और क्रांति के संवाहक बने। यही इस रेत कला शिल्प के माध्यम से हम जनजागरण की दृष्टि से इस अभियान को लिए हुए। ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला एवं खेल महोत्सव का आयोजन विगत 2010 से हम लोग प्रारंभ किए थे, अब 2010 से लगातार चलता चला रहा है जिसमें खेल महोत्सव को लेकर तमाम अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम साहित्य से, कला से और खेल से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं जो सर्वांगीण उन्नति को प्रेरित करते हैं।